मैंने पिछले दिन आपको विभाजिता का रूल पढ़ाया था, पढ़ाया था किससे किससे कटने का नियम पढ़ चुके आप, सात से तो नहीं पढ़ाया था भाई साहब। हमने आपको अभी तक विभाजिता का नियम पढ़ा दिया है, दो से, तीन से, चार से, पाँच से, छः से, आठ से, नौ से, क्लियर है? ये इन संख्याओं से कोई संख्या कटेगी या नहीं कटेगी हम देखकर बता देंगे ना। तो आज आपकी बारी है, अब देखें आप कितना सीख पाए हैं। कॉपी पे तो आप कुछ लोग गलत लगाए थे जरूर, लेकिन अब देखते हैं बोर्ड पर आप बताने के बाद कितना लोग सही कर पाते हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि आप आए, क्या नाम है आपका, पंकज, आइए पंकज। और देखिए यहाँ पे लिखा गया है निम्न में कौन संख्या दो से पूरी पूरी कटेगी, जो कटेगी उसको घेर दीजिए। बेटा आप जाइए उधर, बहुत बढ़िया सही लगाएंगे जी, चलिए बैठ जाइए। मतलब इन्होंने बिल्कुल सही लगाया, दो से कौन कौन कटेगी, 456, क्योंकि इसके इकाई अंक पर क्या है, हाँ, जिसके इकाई अंक पर जीरो होगा, दो होगा, चार होगा, छः होगा, आठ होगा, वो दो से पूरा पूरा कट जाएगा। जाइए सर बुला रहे, तो वो इसमें देखेंगे तो छः है, आठ है, जीरो है, छः है। अब ये संख्याएं आप देख पा रहे हैं, तो ये संख्याओं में इनमें से अंक है छः, आठ, जीरो, चार, इसलिए ये दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगे। क्लियर, चलिए आते हैं कुछ और सवाल देते हैं आप। एक सवाल और आपके सामने मैंने लाया कि निम्न में से कौन संख्या तीन से पूरी पूरी कटेगी ना। यहां पे कुछ संख्याएं दी गई हैं, आप में से हम किसी को बुलाएंगे और आप बताएंगे कि इसमें से कौन सी संख्या कटेगी, तो उसको आपको क्या करना है, घेर देना। जी आप आइए, सनी, सनी आप इसको घेरिए, देखिए कौन तीन से कटेगा। वेरी गुड, बस। अच्छा ये क्यों तीन से कट रहा है, सर जोड़ने पर सर नौ आ रहा है। क्या जोड़ रहे हैं, पाँच और चार, मतलब अंकों को जोड़ने पर नौ आ रहा है, तो नौ तीन से कट जाता है, इसलिए भी तीन से कट जाएगा। तो ये जोड़ने पर कितना आ रहा है, हाँ अठारह, तो अठारह तीन से नहीं कटता है, तो फिर इसको क्यों नहीं घेरा आपने। फिर ये देखिए जरा कितना जोड़ आ रहा है अंकों का, बारह, तो नौ दो ग्यारह एक बारह, तो बारह भी तो तीन से कट जाता है। यस सर, तो सभी संख्याएं तीन से कट रही थी भाई, क्यों इनको इनको घेरा, इन दोनों को छोड़ दिया आपने। मतलब थोड़ा और ध्यान दीजिए, आप ध्यान नहीं दे रहे, जाइए अपनी जगह पे जाइए। भाई ये भी कट रहा है तीन से, ये भी कट रहा है तीन से, मतलब सारी संख्याएं जो हमने रखा था सभी के सभी तीन से कट रहे थे। अगर आपको रूल पता है इसका मतलब आप जोड़ नहीं पा रहे,
थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ध्यान नहीं दे रहे हैं, ध्यान ऐसे करेंगे तब तो गलत हो जाएगा ना। आप इसको जब घेर पा रहे हैं और रूल भी आपको पता है कि सर संख्या के अंकों को जोड़ेंगे और जोड़ तीन से कटेगा तो संख्या भी तीन से कटेगी, तो यहाँ पे आपका जोड़ नौ आ रहा है, नौ तीन से कट रहा है, यहाँ पे जोड़ चार दू छह हो रहा है, छह तीन से कट रहा है, यहाँ पे जोड़ सात छह तेरह पांच अट्ठारह भी तो तीन से कटता है भाई, नौ दू ग्यारह एक बारह भी तो तीन से कट रहा है सिंपली, यहाँ पे पांच एक छ सात छह तेरह और तेरह छह कितना होता है, अरे भाई पांच एक छ सात छह तेरह, तेरह छह कितना होता है, तो उन्नीस कहां तीन से कटता है, मतलब हमें लग रहा है कि आपने अंदाजा तो नहीं घेर दिया लेकिन रूल तो सही बताया आपने, या तो आपको जोड़ने में प्रॉब्लम हो रही है। तो यहां पे ये चार संख्याएं हमारी जो हैं ये तीन से कट जाएंगी और ये 1576 तीन से नहीं कटेगा, थोड़ा सा नियम का ध्यान दीजिए आप। चलिए एक और सवाल आपके सामने हमने लिखा है, निम्न में से कौन संख्या चार से पूरी पूरी कटेगी, तो चार से विभाजिता का नियम तो बता ही दिया है, तो उस विभाजिता का नियम आपको पता होगा तो आप बता पाएंगे इसमें से कौन संख्या चार से कटेगी। जी आप आइए ब्यूटी, बड़ा जल्दी आपने देख लिया, हमें तो नहीं लग रहा आपने सही से देखा, हमें तो नहीं लग रहा आपने सही से देखा, क्यों भाई सही लगाया इन्होंने, वो तो नहीं कटेगा, 34 तो नहीं चार से कटता है भाई, नियम क्या है चार से कटने का बताइए। नियम, हाँ, यदि किसी संख्या का अंतिम दो अंक शून्य हो या चार से कटे तो वो संख्या। वेरी गुड, नियम तो आपको बहुत बढ़िया याद है, अगर आप देख रहे हैं अंतिम दो अंक यहाँ पे जीरो है, घेर दिया, ये जीरो चार है तो जीरो चार का मतलब चार है, ये चार से कट जाएगा भाई। यहाँ पे आप कह रही हैं कि सर तो यहाँ पे कहाँ चार से कटता है, चार वटे तो 32 ही होता है, ये नहीं है, ये है भाई, ये 12 चार से कटता है, चार तिहाई 12, रूल आप बिल्कुल सही बता रही हैं लेकिन ध्यान नहीं दे रही हैं पढ़ाई पे, बैठिए अपनी जगह पे थोड़ा ध्यान दीजिए, मिस्टेक हो रहा है आपसे, रूल पता है बताइए, इतना अच्छा नियम आपको पता है तो जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं, ध्यान दीजिए ना, जब हमको नियम पता है तो हम जल्दीबाजी काहे करेंगे भाई, और जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं आप लोग। चलिए एक और सवाल आपके सामने है, निम्न में से कौन संख्या पांच से पूरी पूरी कटेगी, अभी तक आपने दो से का नियम देखा, तीन से का, चार से का, अब आ गया पांच से कौन संख्या पूरी पूरी कटेगी, आप आइए साक्षी, साक्षी मलिक आइए आप गोला करिए, बाप भाई क्या नियम है जरा बता दीजिए, जिस संख्या के इकाई अंक पर जीरो या पांच हो वह संख्या पांच से कटेगी। वेरी गुड, क्लैपिंग इनके लिए भाई। अब देखिए इन्होंने कहा कि जिस संख्या का इकाई अंक पर जीरो होगा या पांच होगा, तो बिल्कुल इन्होंने देखा है यहाँ पे जीरो है, घेर दिया क्योंकि पांच से कट जाएगा, नियम है पांच, यहाँ पे घेर दिया, यहाँ पे दो है तो कट ही नहीं सकता क्योंकि जीरो पांच रहेगा तब कटेगा, यहाँ पे तीन है तो कट ही नहीं सकता, यहाँ पे पांच है तो कटेगा इसलिए घेर दिया, तो बिल्कुल सही बताया इन्होंने, नियम भी सही बताया और सवाल को भी सही से इन्होंने घेरा जो कटने वाले संख्या थे उनको। आइए अगला सवाल देखते हैं, सवाल आपके सामने है, निम्न में से कौन संख्या नौ से पूरी पूरी कटेगी, चलिए भाई यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं और रूल लगाएंगे और इसका आंसर निकालेंगे आप, आइए जी बिल्कुल,
क्या नियम है नौ से कटने का? यदि संख्या के अंकों का जो नौ से कटे तो संख्या भी नौ से कट जाएगी। यदि संख्या के अंकों का जोड़ नौ से कटे तो संख्या भी नौ से कट जाएगी। बिल्कुल सही, क्लैपिंग। चलिए आते हैं, आप देखें कि सही इन्होंने घेरा है कि नहीं। नियम तो बहुत सही बताया भाई, संख्या के अंकों का जोड़ नौ से कटना चाहिए। सात दू नौ मतलब दो सात नौ पांच चौदह, चौदह तो नौ से कटता नहीं इसलिए ये कटेगा नहीं। पांच दू सात दू नौ, नौ नौ से कटता है इसलिए 2025 भी नौ से कट जाएगा। आगे है नौ चार तेरह, तेरह और पांच जोड़ते हैं तो आता है अठारह, अठारह नौ से क्या करता है कट जाता है इसलिए यहाँ पे 50,409 भी नौ से कट जाएगा। यहाँ पर देखते हैं चार दू छ एक सात तीन दस, दस कभी भी नौ से नहीं कटता है इसलिए 3,124 भी नौ से नहीं कटेगा। आगे है जीरो सात पाँच बारह छः अठारह, अठारह नौ से कट जाता है इसलिए 6,750 भी नौ से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार से हमने जो नियम पढ़ा था उसका एक हमने रिवीजन कर लिया और आपसे भी जान लिया कि आप कितना इसको जानते हैं। अब जो लोग वीडियो देख रहे हैं ये बताएं कि बच्चों का ये बताना आपको कितना अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। कुछ बच्चे गड़बड़ा जरूर गए, कहीं ना कहीं वो मेहनत उतना ढंग से नहीं करते हैं, इसी वजह से गड़बड़ हुआ है। आगे वो कोशिश करेंगे कि उनसे गड़बड़ी ये ना हो और वो भी सही बताने लगे।